हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार इंडिया में। आज हम बात कर रहे हैं, यूपीएससी की तरफ से भर्ती निकाली गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सेंट्रल ब्यूरो, जूनियर इंजीनियर, सिविल एंड मोर पोस्ट ऑफ वैकेंसी आपकी निकाली गई है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 146 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन में आपके यहाँ पे स्नातक मांगी गई है। 27 अप्रैल 2023 फॉर्म की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आप इसमें ऑनलाइन आवेदन जरूर से कर दें। आवेदन आपको कहाँ से करना है, कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। अब बिना देरी करते हुए चलते हैं रोजगार इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां जाकर आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम रोजगार इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस साइट का लिंक हमने अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे सीधे इस पेज पर आ जाओगे। अब नोटिफिकेशन पर बात कर लेते हैं। थोड़ा स्क्रॉल डाउन आपको करना है। ऑल लेटेस्ट जॉब में देख सकते हैं, लिंक आपको देखने को मिला होगा, यूपीएससी ओआरए वेरियस ऑनलाइन फॉर्म 2023, आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप सामने न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, एक बार आप रीड जरूर से कीजिएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूपीएससी जूनियर इंजीनियर एंड अदर वेरियस पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फीस जान लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए ₹25 एप्लीकेशन फीस है, अदर किसी के लिए कोई फीस नहीं है, वो फ्री में अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो 8 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट 27 अप्रैल 2023 है, तो उससे पहले पहले आप इसमें आवेदन जरूर से कर दीजिएगा। फीस आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। एज लिमिट पर बात कर लेते हैं, तो मैक्सिमम एज जो आपकी दी हुई है वो है 30 से 40 साल है, वो पोस्ट वाइज है, मिनिमम एज आपके यहाँ पर नहीं है। टोटल 146 पोस्ट आपकी इसमें निकाली गई हैं। पहले नंबर बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, देख सकते हैं 58 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, आपके यहाँ पर 20 पोस्ट है, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, इसमें 16 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। बैचलर डिग्री इन लॉ में आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए देख सकते हैं 48 पोस्ट हैं, बैचलर डिग्री इन लॉ में आपकी इसमें मांगी गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए देख सकते हैं 1 पोस्ट आपकी निकाली गई है, मास्टर डिग्री आपकी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है। असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए आपकी 1 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन आपकी यहाँ पे मांगी है इन आर्किटेक्चर में। रिसर्च ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, बैचलर डिग्री आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है। रिसर्च ऑफिसर योगा के लिए 1 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन योगा में आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी है। मैक्सिमम एज आपकी यहाँ पे इनमें दी हुई है। अब आ जाते हैं सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स पर। लिंक्स में गाइस देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको देखने को मिला होगा, क्लिक करके आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड नंबर आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम यहाँ पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर भी हम ऐसी रोजगार अपडेट न्यूज देते रहते हैं, तो कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो इसके लिए फॉलो जरूर से कीजिएगा। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन के लिए आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। अप्लाई करने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को भी रीड जरूर से कीजिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आपका कोई भी डाउट यहाँ पर रह गया तो हमें कमेंट करके बताइए, उसका आंसर हम देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।